हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी बजे सुबह के 7, सो आज मैं जल्दी जल्दी उठ के सब काम खत्म कर ले रहा हूँ, बिकॉज हमको कहीं पे जाना पड़ेगा कुछ खरीदने, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब वो क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो अगर आप लोग हमारा लास्ट ब्लॉग देखो तो यू ऑलरेडी नो दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर एन आईपैड प्रो। एक स्पेसिफिक मॉडल सर्च कर रहा था जो किसी भी स्टोर में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो बस ऑनलाइन, दैट टू फ्लिपकार्ट एंड एप्पल के खुद के वेबसाइट में। फ्लिपकार्ट के साथ मेरा वैसे इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है नहीं, तो इसीलिए मैंने वहाँ से नहीं खरीदा। एंड एप्पल के खुद के वेबसाइट में दिखा रहा था कि 2 to 3 weeks लगेगा डिलीवर होने में, विच इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो इसलिए मैंने वेट नहीं किया। सो इसलिए मैंने थोड़ा और रिसर्च किया एंड देन आई चेंज माई डिसीजन टू बाई द न्यू मैकबुक प्रो 2020, जो नए M1 चिप के साथ आ रहा है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइस डिफरेंस था बिटवीन द आईपैड प्रो एंड द न्यू मैकबुक प्रो, इट इज़ नॉट दैट मच, सम 20,000 का ही डिफरेंस आ रहा था। एंड देन आई थॉट कि इट्स बेटर टू इन्वेस्ट यू नो दैट अमाउंट ऑफ मनी इन अ बेटर सिस्टम विच इज़ मोर पावरफुल एंड वुड लास्ट यू लॉन्ग। एंड जिस टाइप का काम मैं करता हूँ विच इज़ मोस्टली क्रिएटिव, आई थिंक मैकबुक प्रो इज़ गोइंग टू बी अ फार बेटर सिस्टम देन एन आईपैड। एंड मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोज़ देखे, बेंचमार्क टेस्ट देखे। आई थिंक M1 चिप जो है इट इज़ क्वाइट पावरफुल एंड एप्पल का खुद का इन हाउस यू नो बिल्ड चिप है। आई थिंक मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी गुड इनफ, बट स्टिल मुझे ये पता नहीं है। आई एम गोइंग टू परचेज इट एंड टेस्ट इट आउट फॉर माई सेल्फ एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। लेट है, हम लोग निकल गए हैं और दीप आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्या दीप, हो तुम? बहुत ज्यादा। हर एक ब्लॉग में एक चीज बहुत कॉमन है, हम लोग हमेशा गाड़ी में रहते हैं, कहीं जा रहे होते हैं। अभी हम लोग रिलायंस डिजिटल जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिलायंस डिजिटल में एक एम्प्लॉय है जो मेरे बहुत जान पहचान के हैं, तो वो एक स्टोर का मैनेजर है एंड कोइंसिडेंटली वो ओडिशा से है, तो थोड़ा सा भाई भाई वैसा है। तो हमने आज तक मतलब अभी पिछले पता नहीं बहुत सालों से मैं रिलायंस डिजिटल से खरीदता हूँ जो भी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, क्योंकि वो भैया जो है वो हम लोग को काफी अच्छा डिस्काउंट देते हैं। मतलब एप्पल के हर एक प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसमें थोड़ा भी डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाला मॉडल ही मैं ले रहा हूँ, बहुत बहुत मजा आ रहा है। अभी इतने सालों बाद मैं खुद एक मैक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं जब आता है फिर अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को एक्सपीरियंस होता है। मैंने लास्ट मैक खरीदा था कॉलेज टाइम में ना, कॉलेज के 2015 में। अभी 5 साल बाद दूसरा मैक खरीदा हूँ, मेहनत की कमाई। खोलो अब बस वेट करो, ये कब खुलेगा ये। दीप ये सब कुछ ना, मुझे ये चाहिए। नहीं नहीं इसका छोटा ये। मैं नायका से ऐसे कुछ बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी, तो सोची कि एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे सब बॉक्स है, मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने अनबॉक्सिंग करूँगी। ये है सारे प्रोडक्ट्स। ये 3 तो बॉडी वॉश है और एक बॉडी लोशन है और ये एक हैंड क्रीम है
और ये नेल पॉलिश, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये ख़रीद लिया। ये एक लिपस्टिक, वहाँ पे ऐसे था कि अगर आप 1200 ऑर्डर करते हैं तो आपको एक 600 का लिपस्टिक फ्री में मिलेगा, तो मेरा 1200 से ज़्यादा था तो मुझे एक फ्री लिपस्टिक मिल गया। बाय द वे मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, नायका में अभी सेल चल रहा है तो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में ख़रीदी हूँ। अगर आप ये प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जाके नायका के वेबसाइट नहीं तो एप्लीकेशन से ख़रीद सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। बाबा तब से सब मैक वैक ओपन करके बैठ गए। अरे इतने सारे डेटा वगैरह है, सब ट्रांसफर करना पड़ रहा है ना। अच्छा वो छोड़ो, बताओ कैसा लग रहा है? मुझे तो दिखाओ क्या कलर है। अच्छा तुम बस बोलो कैसे लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये कलर, अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। नहीं बोलो अच्छा लग रहा है। अजीब है, अच्छा नहीं लग रहा है। सीरियसली अच्छा नहीं लग रहा? सच में? हाँ मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। तुमको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ज्यादा मत बोलो, बोलो अच्छा लग रहा है। तुम्हारे हाथ में अच्छा लग रहा है बट मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा। अब सोच लो क्या है। अच्छा हाँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं सोचा था कि यू नो घर पे आके अच्छे से अनबॉक्सिंग करूंगा और उसका एक वीडियो लूंगा, बट कुछ भी हो नहीं पाया। रिलायंस वाले भैया ही वहाँ पे इसका चीरहरण करके बस अनबॉक्सिंग कर दिए, एंड जैसा था उसके बाद घर पे लाके उसको अनबॉक्सिंग करने का कुछ मतलब नहीं बन रहा था। और इसमें तो चार्जर मिला है? वो खाली आईफोन में ही ऐसा हो रहा है, इसमें चार्जर मिला है, सब कुछ मिला है। तो बाय द वे ये मतलब डब्बे के अंदर ये था एंड ये चार्जर मिला है। ये मैं बनाई हूँ, ये मैक्रेम का है एक्चुअली। थैंक यू। सो लैपटॉप का बेसिक सेटअप तो हो गया है, बट आज राखी ने बोला था कि उसको ट्रीट चाहिए, एंड ट्रीट के लिए वो बहुत दिन से बोल रही थी कि पिज्जा खाना पिज्जा खाना, तो आज हमने पिज्जा ऑर्डर किया। इतना बड़ा एक पार्सल आया है, बहुत कुछ है। पिज्जा है, गार्लिक ब्रेड है, उसके बाद तुम्हारा बर्गर है। हाँ तो बर्गर मुझे बहुत पसंद है और राखी को पिज्ज़ा बहुत पसंद है, एंड हम दोनों को बहुत ज़्यादा गार्लिक ब्रेड पसंद है, तो हमने सब कुछ ऑर्डर किया। कितना ख़त्म कर पाएंगे पता नहीं, बट देखते हैं। मैं तो बस 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 सो उसी के साथ हम लोग ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग व्लॉग्स। ऑन दैट नोट, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, गुड नाइट।